दिनों बाद सबसे मिले हैं, वेरी हैप्पी एंड फैंस जो इतना प्यार करते हैं उनकी वजह से ही यहाँ खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ही इनवाइटेड अस विद ऑल द लव, सो वी थॉट वी गो बिकॉज ये प्यारी है जिस वजह से हमें इनवाइट किया गया है, सो वी थॉट वी गो सेलिब्रेट विद हिम। Yes, I just got myself a small house. I was living on rent in Bombay for years. How it feels ki ab jaise aapne kaha kafi samay se aap akele reh rahi thi aur itna struggle kiya, how it feels when you get your house? It feels great. You get that confidence ki okay, now you are a part of the city permanently, you have a roof over yourself. जी, क्योंकि आप दोनों का जो सॉन्ग आया था अभी अभी टू फोन, लोगों ने बहुत पसंद किया। नेक्स्ट जैस अली को कहाँ देखने वाले हैं? हमें तो रोज देखते हो इधर उधर सड़क पे, छोड़ते हैं लोग हमको, छोड़ते कहाँ हैं, जहाँ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कहाँ देखने? नेक्स्ट तो अभी आ रहा है बट अलग अलग है। साथ में बिग बॉस की अगर बात करें, इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है ओवर द टॉप, करण जौहर होस्ट है, आपने कुछ चीजें देखी होंगी तो हमारे साथ भी शेयर करें इस बार को लेकर। तो हाँ, मैंने देखा, नया कॉन्सेप्ट है और स्पेशल शो है मेरे लिए, तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने में, इंजॉय कर रही हूँ, एक डिफरेंट फॉर्मेट है और द बेस्ट पार्ट इज 24/7 है, सो जब मन करे आप उठ के देख सकते हो, यू नो इट्स ऑलवेज देयर, समथिंग इज हैपनिंग, सो इट्स फन, आई एम एंजॉयिंग इट। एंड कल मैंने देखा वीकेंड का वार करण सर का भी, इट वॉज अमेजिंग, सुपर एंटरटेनिंग। मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मैं देखा नहीं, बट जितना भी दिखा अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स लिए, इंटरेस्टिंग है सब बहुत, तो एक दिन बैठ के सारा देख लूँगा, OTT का यही फ़ायदा है ना, एक दिन बैठ के सब देख लूँगा। कोई कंटेस्टेंट्स जो आप लोगों को पसंद आए या कोई? अभी इट्स टू अर्ली, एक ही वीक हुआ है एंड एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट, और ऐसे सवाल के जवाब से झगड़े हो जाएंगे या मैं फिट ट्रोल हो जाऊं। आपको क्या लगता है अभी जो है घर में उनमें से कोई कनेक्शन जोड़ी जो आपको लगता है अच्छा खेल रही कर रही है? आप फॉलो करो, दे ऑल गुड, मैं ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज सब अपनी तरफ से कुछ दोस्त हैं यार अपने, तो उसको सुनी गई, शमिता है, दिव्या है, रिद्धिमा इज वेरी गुड फ्रेंड, उर्फी है, पता नहीं वो शायद बाहर आ गई, सो या मतलब ये सब लोग आई नो देम, सो जिनको जानते हैं उन्हीं को बंदा सपोर्ट मिलता है, आप उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, तो यू ऑलवेज लाइक देम मोर। बोलो तू ना, मैं तो लेता रहता हूँ। सो टू ऑल द जैसली फैंस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच, आप लोग हमारा हर दिन इतना स्पेशल बना देते हैं बाई सेंडिंग योर विशेज, योर लव, एंड वी नो यू वर्क रियली हार्ड, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर इट, एंड स्टे टुगेदर, स्टे हैप्पी, स्टॉप फाइटिंग, जस्ट चिल। अवार्ड फंक्शन में जाता ही नहीं, मैं कभी नहीं जाता, हमेशा इनवाइटेड नॉमिनेट होता हूँ फिर भी नहीं गया हूँ कभी, बट इस बार बहुत सारे रीजंस है, एक ये भी है कि एक्चुअली आई मिस्ड ऑल दिस, यू नो इतना घर बैठ गया सब, इतना लोगों को देखने का इतना शौक आ गया कि जाने का मन करता, तो आई थॉट कि चले जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इनवाइटेड, काफ़ी प्यार से उन्होंने बोला तो मैं आया, एंड तो इसीलिए मेरे लिए तो अवार्ड तो मुझे मिल रहा है, मेरी जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे लिए तो वही अवार्ड है, एंड ये तो फिर बोनस होते हैं, चेरी और केक। See, for me, award is a token of love when you know we are appreciated and accepted for what we do. तो एक तरीका होता है आपको you know to a token of love and appreciation for everything that we do to entertain our fans. तो it feels great. It feels really nice. वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं उनको बहुत साल से जानता हूँ, एंड शी इज़ वन ऑफ द
द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट आई थिंक देयर एंड इवन रियल लाइफ में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो अगर वो जीतती भी हैं तो मैं शॉक नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऐसे मुझे बहुत गर्मी हो गई. थैंक यू.